अब सरकार के योजना से जो पेयजल हमला सुविधा मिले हैं ते हमला बहुत राहत मिली से। जिले के वनांचल गांव कोसमी में 15 साल बाद हर घर में नल से जल पहुंचा है, जिससे यहां के ग्रामीण खासतौर पर महिलाएं काफी खुश हैं। इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। यहां के 57 परिवारों के घर पर जल जीवन मिशन के तहत नलों से ही शुद्ध पानी मिल रहा है। इससे जल संकट से जूझने वाली महिलाओं को काफी सुविधा हो रही है। पहले कुआं नल से हमें पानी लाना रही, थोड़ा बहुत तकलीफ हो रही से, अब सोलर के लगे से हमारे महिला बहुत फायदा होते, जहाँ घर में नल लग गया था। और जानती में 10 साल के बाद में यहाँ सुविधा मतलब मिली। पहले नल ले भरन पानी, अभी सोलर से बहुत सुविधा मिलती है मतलब, सुबह शाम पानी आते। पहले बहुत तकलीफ हुई, नल वाल मन बिगड़ जाता पानी भरे हुए, अब अच्छा है। पहले हमन तरी मतलब नरवा कुआं ऐसे पहले सुविधा रही से तभी से पानी वानी नानत रहे हैं, तो अब सरकार के योजना से जो पेयजल हमला सुविधा मिले हैं ते हमल बहुत राहत मिली से, और का अभी घर घर जावा थे नल के पानी है, तो हमल अब बहुत अच्छी तरह से लाभ मिला थे। जल जीवन मिशन नल जल योजना में हर घर पीने का शुद्ध पानी पहुंचने से कोसमी गांव की तस्वीर ही बदल गई। जी हाँ, ग्राम कोसमी कपरमेटा ग्राम पंचायत के अंतर्गत तहसील गांव है और वहाँ 244 की जनसंख्या है। इन गांव में सोलर के माध्यम से जल सप्लाई शुरू हुई है। इसमें 55 एलपीसीडी के हिसाब से हम लोग जल जीवन मिशन के अंतर्गत और 57 परिवार हैं वहाँ पर, उन सभी में पानी जा रहा है। पालो जिले में अभी जो सोलर से संबंधित 82 गांव हैं जिसमें सोलर के माध्यम से जल सप्लाई शुरू किया गया है। ग्राम पंचायत कपरमेटा के सरपंच झाड़ू राम चंद्रवंशी के अनुसार आश्रित वनांचल गांव कोसमी में जल जीवन मिशन के हर घर जल योजना में 14,80,000 रुपए की लागत से सोलर ड्यूल पंप स्थापित किया गया है, जिससे 57 परिवारों को शुद्ध पीने का पानी मिल रहा है। ग्रामीणों की माने तो यहां करीबन 15 साल बाद हर घर नल कनेक्शन से जुड़ गया है। ये जल जीवन जो मिशन है सरकार की महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के तहत घर घर पानी जा रहा है। लोग पहले नलों में या टेढ़ा नल से या कुआं से या तालाब डबरी से पानी भरते थे, आज पूरे घर घर पानी जा रहा है, इससे लोगों को बहुत सुविधा हुआ है। कोसमी की बात करें, कितने परिवार यहाँ पे रहते हैं? यहाँ 50 परिवार हैं लोग और सभी घर पानी जा रहा है। और ऊपर पा रहा है जो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है वाल के कारण। वहाँ पे पहले लोगों को क्या समस्या आती थी, अब क्या सुविधा हो रही है? पहले वही लोग इधर उधर दूर से लाते थे पानी, आज उनके घर में पानी उपलब्ध हो रहा है। गर्मी के दिनों में महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, घर में दूर हैंडपंप और कुएं से पानी लाने जाना पड़ता था, लेकिन अब घर पर ही पेयजल की आपूर्ति हो रही है, जिससे महिलाएं काफी खुश हैं। वहीं विभाग के ईई की माने तो जिले के 82 गांव ऐसे हैं जहां सोलर के जरिए नल से जल प्रदान किया जा रहा है। अब हर घर पीने का पानी आने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। घर में शुद्ध पीने का पानी मिलने से ग्रामीण पीने के पानी से होने वाली बीमारी से बच सकेंगे।